तो दोस्तों नमस्कार और प्यारे साथियों, दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की तरफ से एक और बड़ी भर्ती का ऐलान कर दिया गया है दोस्तों, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं आयुर्वेद द्वारा आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा विभाग के लिए राजस्थान आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी के 1973 नियम के अनुसार लेक्चरर के पदों के लिए 13 पदों पर भर्ती के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों। स्थायी विभाग से कुल रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, यह आप जानते हैं, ये हमेशा से निर्णय उनके पास होता है। सामान्य श्रेणी के इसमें टोटल 10 पद रखे गए हैं और विधवा सामान्य के 3 पद रखे गए हैं दोस्तों। अगर इसमें आगे बात करें दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की, तो देखिए इसमें अलग अलग शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ देख सकते हैं। 8 डिग्री इन आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी से आपके आयुर्वेद की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो भी सब्जेक्ट है आपके पास उससे, इंक्लूडिंग द शेड्यूल टू इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिलिंग एक्ट 1970 के अनुसार दोस्तों। इसके बाद आगे डिटेल दी गई है दोस्तों, स्पेशलिटी किस प्रकार से रिक्वायरमेंट मांगी गई है, नेम ऑफ द एलाइड सब्जेक्ट मांगा गया है कि कौन कौन सी सब्जेक्ट और स्पेशलिस्ट उसके साथ होनी चाहिए दोस्तों। शैक्षणिक अर्हता में अगर आप देखें तो अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है दोस्तों, साक्षात्कार से पूर्व आपको वो जमा कराना पड़ेगा दोस्तों। अगली बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल संख्या इसके अंदर 14 के अनुसार बेहतर दे होता है दोस्तों। आयु सीमा 1/1/2022 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। कहने का मतलब कि आपकी जो आयु है दोस्तों वो 20 से 45 के बीच होनी चाहिए। 5 वर्ष और अधिकतम छूट आप जानते हैं, जो STSC और बाकी के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए 10 वर्ष इस तरीके से छूट जारी की गई है दोस्तों। रिजर्वेशन भी इसके अंदर गया है, लेकिन रिजर्वेशन का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि सारी सीटें जनरल के अंदर है दोस्तों, तो आपको फॉर्म तो जनरल कोटे के अनुसार ही डालना पड़ेगा, या डालोगे तो भी नंबर उस हिसाब से लाने पड़ेंगे दोस्तों। चयन प्रक्रिया की बात करें तो संविदा परीक्षा में प्राप्त अंकों का 40% भारक की गणना, मतलब आपको समीक्षा परीक्षा होगी उसके अंदर, फिर उसके बाद अकादमिक का भारक 20 अंक मिलेगा, साक्षात्कार 40 अंक होगा, कुल पूर्णांक 100 अंक होगा दोस्तों। समीक्षा परीक्षा की तिथि के संबंध में सूचित कर दिया जाएगा, यानी कि अभी कोई डेट दी नहीं गई है दोस्तों। आवेदन प्रक्रिया आप देख सकते हैं आरपीएससी की मेन वेबसाइट, या फिर आपको क्लिक जो करना है वो SSO के थ्रू भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। आवेदन जो है आपके 16/7/21 से 14/4/ 8/1/2021 रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं दोस्तों। आगे इसमें बात कर लें तो कुछ और नियम और बाकी की जानकारी भर्ती से संबंधित दी गई है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि फीस की अगर बात करें, कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन अवधि के दौरान आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के दिनांक से पश्चात 10 दिवस के भीतर, मतलब ये तो 300 रुपये जो है आपका विलंब भुगतान शुल्क है यदि आप कुछ करना चाहें तो उसमें संशोधन इस तरीके से दोस्तों। आगे और बात कर लेते हैं जानकारी को, परीक्षा शुल्क की बात करें तो इसमें देखिए 350 रुपये, 250 रुपये दोस्तों, और 150-150 रुपये इसके अंदर परीक्षा शुल्क रखा गया है, जिसमें सामान्य वर्ग 350, नॉन क्रिमिलियर वालों के लिए 250, STSC निःशक्त जन विधवा और आकी बाकी रोगों के लिए 150 रुपये रखा गया है दोस्तों। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप SSO के माध्यम से भरी लेंगे दोस्तों। परीक्षा की जानकारी आपको इस चैनल पर आने वाले समय में मिल जाएगी, और यदि अन्य प्रकार की आपको मदद चाहिए किसी भी टॉपिक से संबंधित, किसी भी एग्जाम गाइड से संबंधित, आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके की जानकारी लगातार आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। आप मुझे दीजिए इजाज़त, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर जाएं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, नमस्कार दोस्तों।